इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली डिलीटेड से डिलीट फोटो को वापस कैसे लाया जाता है। आजकल के जितने भी मोबाइल आ रहे हैं, अगर आप उसमें फ़ोटो को डिलीट कर दीजिएगा तो आपका डिलीट फोटो रिसेंटली डिलीटेड में ऐड रहता है। यहाँ पर आपको 30 दिनों तक बैकअप के तौर पर रहता है। 30 दिनों के अंदर आप इस फ़ोटो को फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल के रिसेंटली डिलीटेड से भी फ़ोटो को डिलीट कर दिए हैं तो उस फोटो को वापस कैसे ला सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रिसेंटली डिलीटेड से अपने सभी फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके सभी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा रिसेंटली डिलीटेड से भी सभी फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में कोई भी फ़ोटो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक है। तो हमें इस रिसेंटली डिलीट फ़ोटो को वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको डिस्क डिगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के साथ ही आपके मोबाइल से आपके रिसेंटली डिलीटेड से डिलीट फ़ोटो को स्कैन करेगा। आप देख सकते हैं मेरा टोटल यहाँ 281 फाइल स्कैन हो चुका है। ओके करना है और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने जिस फ़ोटो को डिलीट किया था यहाँ पर सभी वह फ़ोटो शो हो रहा है। इस फ़ोटो को मैंने अपने रिसेंटली डिलीटेड से भी डिलीट कर दिया था और वह सभी फ़ोटो यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमें इस फ़ोटो को रिकवर करना है। रिकवर करने के लिए आपको जिस फ़ोटो को रिकवर करना चाहते हैं उस पर टच करके आप क्लिक कर लीजिए, उसे टच करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सभी फ़ोटो को रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऊपर 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करने पे आपका सभी फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे रिकवर मिलेगा, तो आपको रिकवर पर क्लिक करना है और यहाँ से इस बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आप अपने मोबाइल में कहाँ सेव करना चाहते हैं उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम DCIM को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद आपका सभी फ़ोटो आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में या गैलरी में या DCIM फाइल में रिकवर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल के DCIM फाइल को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने मोबाइल के गैलरी को ओपन करते हैं। तो गैलरी में मेरा फ़ोटो जो है शो नहीं हो रहा है। तो चलिए हम अपने फाइल मैनेजर में चलते हैं और फाइल मैनेजर में आने के बाद हम अपने DCIM फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम लोकल फाइल में गए और यहाँ से DCIM का फाइल में आप देख सकते हैं 169 फाइल यहाँ पर है। तो इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा सभी फ़ोटो यहाँ पर जो मैंने रिसेंटली डिलीटेड से भी डिलीट कर दिया था, सभी फ़ोटो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल के रिसेंटली डिलीटेड से भी डिलीट फ़ोटो को वापस ला सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।